वीडियोग्राफी बहुत ही अच्छा है और ये मैं पहली बार शूट कर रहा हूँ इस आईफोन 13 से। तो कैसा लगता है गाइस, एक बार चेकआउट चेक मारिए गाइस, कैसा लगा? अच्छा लगता है ना, ठीक है ना। तो इसको और ज़्यादा मैं वाइड एंगल पे डालता हूँ, तो चलो एक बार वाइड एंगल पे डाल के देखते हैं। ये है वाइड एंगल गाइस। तो अभी कैसा लग रहा है गाइस, अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा वाला व्यू आ रहा है कि नहीं बताइए। क्योंकि इस पर अभी साउंड का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वीडियो क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये मुझे एकदम से बेस्ट लगा, तो मैंने इसको परचेज कर लिया। अब तो डेली ब्लॉग आएगा। तो गाइस कैसा लगा मेरा ये सेटअप? और ये मैंने लिया था 3500 का लिया था, और मैंने ये भी फ़ोन भी ले लिया, कल ले लिया समथिंग। प्राइस क्या बताना भाई यार, फोन ले लिया क्या प्राइस क्या बताना। तो ये कवर का मैं प्राइस बता दूंगा, ये कवर मैंने अलग से लिया था। तो कवर मेरे को पड़ा था 2500, हाँ 2500 कवर पड़ा था। तो अभी अच्छा है ब्लॉग के लिए, ये मैंने सब कुछ ब्लॉग के लिए किया है। तो मेरे को थोड़ा सा आशा है कि आप लोग मेरा ब्लॉग देखना पसंद करोगे, मुझे देखना पसंद करोगे वीडियो पे। तो अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है वो, ये अच्छा है मेरे ब्लॉग के लिए। तो देखते हैं, और मैं आज से डेली वन वीडियो डालूंगा, डेली लाइव वीडियो। क्योंकि कुछ ज़्यादा तो करने के लिए नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं अभी नेपाल से हूँ और अभी रोमानिया में रह रहा हूँ। तो काम में भी जाना पड़ता है, ड्यूटी पे भी जाना पड़ता है। तो ड्यूटी से जब भी बाकी बचता है समय, तो वही समय पे मैं ब्लॉग शूट करता हूँ, एडिट भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो फिर मैं वही डालूँगा। तो आप लोगों को देख के थोड़ा सा बताना कि कैसा है ब्लॉग, और मेरा आप लोग विदेश का ज़िंदगी कैसा होता है वो भी आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ। एवरीडे मैं ब्लॉग डालूँगा, वही खाना बनाऊंगा, फिर मैं जिम भी ज्वाइन करूंगा। आई थिंक देखते इधर नज़ीक कोई जिम है तो जिम भी ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि पहले मैं जिम करता था, बड़ी थोड़ा अच्छा रहती थी, लेकिन अब देखो पूरा मैं घट गया हूँ भाई। 60 केजी था, अभी तो बहुत ज़्यादा घट गए हैं यार, देखो तो भाई क्या ही, एक भी कुछ नहीं है, और खड़े ऐसे इतना ज़्यादा भारी काम भी नहीं है। तो ठीक है अभी, तो गाइस चेक इट मारो, ये कैसा लगा आप लोगों को मेरा सेटअप। और मैं अभी एक माइक भी खरीदूंगा, आई थिंक एक हफ्ते बाद एक माइक भी खरीदूंगा, तो वो प्रॉपर एक सेटअप हो जाएगा। क्योंकि साउंड के लिए एक माइक बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग ब्लॉग देखते होंगे तो पता होगा आप लोगों को। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो आज से और ये वीडियो आएगा तो फिर प्रॉपर मैं एक और वीडियो डालूंगा मेरे रूम के बारे में, अथवा या फिर कुछ और के बारे में, या फिर डेली लाइफ डेली ब्लॉग डालूंगा मैं अब। तो गाइस बाय, कीप सपोर्ट मी।
और प्लिज सब्सक्राइब गर्न मत भुलिएगा। और मेरो नेपाली दाजुभाइहरू सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, म हिन्दीमा ब्लग बनाउँछ भनेर चाहिँ त्यस्तो केही नमानिदिनु होला, किनभने मैले चाहिँ पछिको लागि पनि धेरै सोचेर गरेँ हो। सो पछि ब्लगरमै धेरै जानु पऱ्यो भने पनि पछि हिन्दीमा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै एट्र्याक्सन पाउँछ, धेरै नै अडियन्सहरू पाउँछ। त्यो भएर चाहिँ मैले यो अलिकति सोचेर स्ट्राटेजी टाइपले गरेर गरे हो। सो त्यसमा केही पनि छैन, प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि हेरिदिनुहोस्, रोमानियन लाइफहरू हेरिदिनुहोस् तपाईँहरूले पनि, होइन रोमानियन केटाहरू पनि यहाँ धेरै छ, नेपाली केटाहरू साथीहरू छ, उनीहरूसँग पनि कुरा हुन्छ, उनीहरू पनि ब्लगमा आउँछ। सो सबैजनाले हेरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गर्दा चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त, किनभने भर्खर मेरो 670 पुगिरहेछ अनि मैले चाहिँ 1000+ 1000 चाहिँ जसरी भयो नि पुऱ्याउनु पर्ने भएको छ। विदिन 2 months 1000 पुग्छ कि भन्ने सोचिरहेको छु। सो डेली बाई डेली भिडियो हाल्छु, किनकि अब मसँग फोन पनि छ, राम्रो क्वालिटीको फोन छ, राम्रो क्वालिटीको साउन्ड प्रुफ छ। सो किनभने छ त्यही भएर चाहिँ म अस्ति अस्ति पनि भिडियो हालिरहेको थिएँ नि त, त्यही भएर अनि अहिले चाहिँ अब चाहिँ राम्रो फोन आयो, त्यसपछि चाहिँ अब राम्रो राम्रो भिडियोहरू पनि हाल्छु, राम्रो राम्रो सुट गर्छु, राम्रो राम्रो भिडियो हाल्छु, रोमानियाको बारेमा चाहिँ धेरै भन्छु है त। Okay, peace out guys, keep supporting, keep loving, keep subscribe, hey guys, subscribe button, subscribe button, bell icon, like, all my shit guys, hey guys, bye.